फ्रेंड्स, आईपीएल इतिहास में काफी सारे ऐसे प्लेयर्स रहे जो कि लगातार आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद आईपीएल से गायब हो चुके हैं और दोबारा हमें आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखे। मैं इस वीडियो में आपके साथ ऐसे ही दो प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ये दो बड़े प्लेयर्स क्यों आईपीएल से गायब हो चुके हैं और आखिर क्यों टीमें इनको दोबारा आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदती है, क्या है इसके पीछे के रीजंस। मैं इस वीडियो में आपको वेस्ट इंडीज के ऐसे ही दो प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको ड्यून स्मिथ, इसके साथ ही वेस्ट इंडीज के लेंडल सिमंस के बारे में। ये दोनों प्लेयर्स एक समय में आईपीएल में मौजूद थे और आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी आईपीएल टीमों से गायब हो चुके और दोबारा हमें आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखे। और एक बात भी अब लगभग कंफर्म्ड है, ये दोनों प्लेयर्स हमें दोबारा कभी आईपीएल में खेलते हुए भी नहीं दिखने वाले है। मैं इस वीडियो में आपको इसके पीछे के रीजन बताने वाला हूँ, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक क्रिकेट के बड़े फैन तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इन दो प्लेयर्स में सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं वेस्ट इंडीज के लेंडल सिमंस का। दरअसल लेंडल सिमंस 2014 के सीजन में पहली बार आईपीएल में आए थे और 2014 और 2015 के दो लगातार सीजन्स में ये एमआई की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर थे। और 2014 के सीजन में जब एमआई की टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, इसके बाद एमआई की टीम प्लेऑफ्स तक गई थी, तो इसमें लेंडल सिमंस का काफी बड़ा योगदान था। इसके बाद जब 2015 के सीजन में एमआई की टीम ने आईपीएल खिताब जीता था तो लेंडल सिमंस इस टीम के लिए लीडिंग रन स्कोरर थे और एमआई को आईपीएल जिताने में काफी बड़ा योगदान इनका था। लगातार अच्छा प्रदर्शन ये एमआई की टीम के लिए कर रहे थे, लेकिन इसके बाद ये एमआई की तरफ से पूरी तरह से गायब हो चुके थे। दरअसल बात है 2016 के सीजन की, जब 2016 का ऑक्शन हुआ था तो एमआई की टीम ने जॉस बटलर को आईपीएल ऑक्शन में पिक कर लिया था और जॉस बटलर को पिक किए जाने के बाद 2016 के आईपीएल सीजन में डायरेक्टली जॉस बटलर को प्लेइंग 11 में जगह मिलने लगी और लगभग शुरुआती 4-5 मैचेस के लिए लेंडल सिमंस प्लेइंग 11 से बाहर बैठे हुए थे और अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद ये प्लेइंग 11 से बाहर डगआउट में बैठे थे। इसके बाद इन्हें प्लेइंग 11 में एक बार मौका मिला, लेकिन इसके बाद वापस इन्हें 4-5 मैचेस के लिए बाहर बैठना पड़ा। ऐसे करके ये लगभग पूरे सीजन में केवल 3-4 मैचेस ही खेल पाए। इसके बाद 2017 के सीजन में इन्हें केवल 1-2 मैचेस खेलने का मौका मिला और इसके बाद एमआई की टीम ने इन्हें अपनी टीम से रिलीज कर दिया और आईपीएल ऑक्शन में दोबारा किसी भी टीम ने इनको पिक नहीं किया। एक अजीबोगरीब रीजन के चलते हुए ये लगभग आईपीएल से गायब हो चुके हैं। अगर जोश बटलर को एमआई की टीम 2016 के ऑक्शन में पिक नहीं करती तो शायद आज भी एमआई की टीम में लेंडल सिमंस होते और रोहित शर्मा के साथ हमें ओपन करते हुए दिखते। तो लेंडल सिमंस के आईपीएल से गायब होने के पीछे जोश बटलर का बड़ा रीजन है। इसके बाद बात करते हैं ड्यून स्मिथ की, तो ड्यून स्मिथ को एमआई की टीम ने 2012 के ऑक्शन में अपनी टीम में पिक किया था। लगातार 2012 और 2013 के आईपीएल सीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन एमआई के लिए इनका था और 2013 के सीजन में जब एमआई की टीम ने पहला आईपीएल खिताब जीता था तो ड्यून स्मिथ काफी बड़ा योगदान इस टीम के लिए था। इसके बाद 2014-2015 के सीजन में ये सीएसके की टीम का हिस्सा रहे हैं और सीएसके की टीम के लिए दो लगातार सीजन्स में इनका काफी अच्छा प्रदर्शन था। लगभग दो लगातार आईपीएल सीजन्स तक ये सीएसके की टीम के लिए लीडिंग रन स्कोरर रहे थे, लेकिन सीएसके की टीम, इसके साथ ही सीएसके के हेड कोच फ्लेमिंग का मानना था कि इनकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है कि ये सीएसके की टीम में खेल पाए। लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी सीएसके की टीम ने इनकी फिटनेस को देखते हुए इन्हें अपनी टीम से रिलीज कर दिया और सीएसके से रिलीज होने के बाद गुजरात लाइंस की टीम ने इन्हें आईपीएल ऑक्शन में पिक किया और गुजरात लाइंस की टीम में ये लगातार अंदर बार होते रहे, जहां पर एक आईपीएल सीजन के 14 मैचेस में से इन्होंने केवल 7-8 मैचेस खेले और इसके बाद अगले आईपीएल सीजन में दोबारा किसी भी टीम ने इन्हें अपनी टीम में पिक नहीं किया। तो फिटनेस के इश्यू को लेकर ड्यून स्मिथ आईपीएल से लगभग गायब हो चुके हैं और अब शायद ये दोबारा आईपीएल में कभी भी खेलते हुए ना दिखे। कोई भी टीम शायद इनको दोबारा पिक नहीं करेगी। तो करंटली ये दो प्लेयर्स थे जो कि अजीबोगरीबो रीजन के चलते हुए अपनी आईपीएल टीमों से गायब हो चुके और अब दोबारा शायद से ये कोई भी टीम ने आईपीएल में पिक ना करे। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इन दोनों प्लेयर्स में से कौन से प्लेयर को दोबारा आईपीएल में आना चाहिए और कौन सी टीम द्वारा इनको पिक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।